दोस्तों साल 2020 में जहां फैलने वाली वबा की वजह से दुनिया के 30% से ज्यादा छोटे बिजनेसेस तबाह हो गए हैं, वहीं दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने इस एक साल में भी हर रोज $321 मिलियन कमाए हैं। इनके रोज के पाकिस्तानी 5,000 करोड़ रुपए। जेफ बेजोस दुनिया की टॉप की टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजोन का मालिक है, जिसे इसने अपने घर के एक छोटे से ऑफिस से शुरू किया था। 1995 से 2017 तक बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, मगर 2017 में आके जेफ बेजोस ने बिल गेट्स का पत्ता काट डाला। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे अमीर और मक्कार आदमी जेफ बेजोस के बारे में कुछ जबरदस्त हकायक बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जेफ बेजोस का पूरा नाम जेफरी प्रेस्टन बेजोस है और ये January 12, 1964 को अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के एक शहर एल्बकर्की में पैदा हुआ। जेफ बेजोस की माँ का नाम जैकलिन है और इसके सगे बाप का नाम थियोडोर जॉर्ज सेन है, जो इसकी पैदाइश के बाद ही इसे और इसकी माँ को छोड़कर भाग गया। जब जेफ पैदा हुआ तो इसकी माँ सिर्फ 17 साल की थी और स्कूल स्टूडेंट थी। कुछ साल बाद इसकी माँ ने क्यूबा से ताल्लुक रखने वाले एक आदमी मिगेल बेजोस से शादी कर ली और इसके सुतेले बाप से इसे बेजोस का नाम मिला। जेफ बेजोस अच्छी किस्मत लेकर इस दुनिया में आया था। इसके सुतेले बाप ने इसके लिए वो सब कुछ किया जो शायद इसका हकीकी बाप भी ना करता। फैक्ट नंबर 2, जेफ बेजोस का बाप इसे और इसकी माँ को लेकर टेक्सास आ गया, जहाँ ये एक ऑयल रिफाइनरी में इंजीनियर की नौकरी करता था। जेफ को रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल किया गया, जहाँ ये बात क्लियर होगी कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था और टीचर्स की भी गलतियाँ निकालता था। जेफ का नाना बहुत अमीर आदमी था, जो कि अमरीका के एटमी प्रोग्राम पर भी काम कर चुका था। टेक्सास शहर के पास इसका फार्म हाउस था, जो कि 25,000 एकड़ पर फैला हुआ था। यहाँ पर जेफ और इसके दूसरे बहन भाइयों का अपना बचपन भी गुजरा। अमीर होने के बाद जेफ ने ये फार्म हाउस खरीद लिया और इसे 25,000 एकड़ से बढ़ाकर 3,00,000 एकड़ का कर दिया। जेफ को बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, इसलिए इसके घर वाले मियामी शिफ्ट हो गए, जहां जेफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जेफ ने पार्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स में नौकरी भी की। फैक्ट नंबर 3, 1986 में जेफ बेजोस ने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया और इस वक्त की हर बड़ी कंपनी की इस पर नजर थी कि ये कोई आम लड़का नहीं है। जेफ को इंटेल, बेल लैब्स और एंडरसन कंसल्टेंसी जैसी दुनिया की टॉप की कंपनीज की जानिब से नौकरी की ऑफर हुई। इन सबको ठुकराते हुए जेफ ने फाइटल नामी एक कंपनी में नौकरी कर ली, जहां जेफ का काम एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जिसे इस्तेमाल करके ये कंपनी पूरी दुनिया में ट्रेड कर सके। इसके बाद जेफ ने बैंकर्स ट्रस्ट नामी एक इदारे में प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी कर ली। इस कंपनी का काम बड़े बड़े बैंकों को ये मशवरा देना होता था कि वो अपना पैसा कहां इन्वेस्ट कर सके। यहां जेफ ने 1988 से 1999 तक काम किया और इस इदारे को उस ऊंचाई पर ले गया कि बड़े बड़े बैंक इसके गिरविदा हो गए और इसके आगे पीछे घूमने लगे। इसी दौरान जेफ को डीई शॉ एंड को नामी अमेरिका के टॉप हेज फंड की जानिब से काम की ऑफर हुई। जेफ ने यहाँ 1994 तक काम किया और यहाँ पर ये 30 साल की उम्र में डीई शॉ एंड को की तारीख का सबसे कम उम्र सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। फैक्ट नंबर 4, 1993 में जेफ ये बात समझ गया था कि आने वाला वक्त इंटरनेट का है और इसे इस्तेमाल करके वो बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है और बहुत अमीर भी हो सकता है। इसने महाना लाखों डॉलर देने वाली ऑफिस जॉब छोड़ दी और 5 जुलाई 1994 को किताबें बेचने का ऑनलाइन स्टोर amazon.com बनाया। इसने काम का आगाज अपने घर के गैराज से ही किया। इसने अपने माँ बाप से $3,00,000 यानी के पाकिस्तानी 4.5 करोड़ रुपए उधार लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। बिजनेस शुरू करने के 3 साल बाद जेफ ने इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया और इसका IPO हुआ। दोस्तों आपको ये जानकर शदीद हैरानगी होगी कि पहले दिन जब अमेजोन के स्टॉक बिके तो अमेजोन का एक स्टॉक $1.73 का बिका और आज 2021 में अमेजोन कंपनी का वही एक स्टॉक $3,470 का है। 1998 तक अमेजोन की वेबसाइट पर ऑडियो और वीडियो म्यूजिक भी बिकना शुरू हो चुका था। जेफ ने एक ही दिन में $55 मिलियन खर्च करते हुए अपने मुकाबले में मौजूद बहुत सी छोटी वेबसाइट्स को खरीद लिया, जिनसे आगे चलकर अमेजोन को खतरा हो सकता था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों सन 2000 का आगाज और नई सदी का ये पहला सूरज जेफ बेजोस के लिए बहुत बुरी खबर लाया। इसकी कंपनी को बढ़ाने के लिए इसे काफी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। इंटरनेट की दुनिया तेजी से फैल रही थी और हर रोज नई वेबसाइट्स और ऑनलाइन बिजनेसेस आ रहे थे। यहाँ जेफ ने अपने पुराने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए बैंक से $2 बिलियन का उधार ले लिया। 2002 में जेफ को पता चला कि कंपनी इतनी फैल गई है कि इसका अपना खर्चा भी बहुत ज्यादा है। इसी दिन जेफ ने 14% वर्कर्स को अमेज़न से निकाल दिया। ये वो दिन था
था जब अमरीकी कौम को पता चल गया था कि ये बड़े दिल वाला आदमी नहीं है और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। 2003 में अमेज़न हर तरह के फाइनेंशियल पंगों से निकल आया और ये इसका पहला साल था जब इसने $400 मिलियन का प्रॉफिट भी कमाया। फैक्ट नंबर 6, 2013 में ये खबर सामने आई कि अमेज़न को अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से $600 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसी साल ये भी पता चला कि अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग स्टोर बन चुका है। दोस्तों ये मानना पड़ेगा कि बंदा कमीना है मगर सुपर जीनियस है। इसने अकेले जो कंपनी शुरू की थी आज इसमें 12,98,000 अफराद नौकरी कर रहे हैं। साल 2020 में अमेज़न कंपनी की टोटल इनकम $21.3 बिलियन थी, यानी कि पाकिस्तानी 3,30,000 करोड़ रुपए। अगर हम अमेज़न की कंपनी वैल्यू की बात करें तो अब ये बिलियन से भी ज्यादा की गेम हो चुकी है। अमेज़न की कंपनी वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। जेफ बेजोस खुद आज $200 बिलियन से ज्यादा के सांसों पर बैठा है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों कहते हैं कि बड़े लोगों के दुश्मन भी बड़े होते हैं। जेफ बेजोस का सबसे बड़ा दुश्मन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, जो जेफ बेजोस और इसकी बीवी मैकेंजी की तलाक की वजह भी बना। और इस फैक्ट की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। आज से कुछ साल पहले किसी बिजनेस डील को लेकर जेफ बेजोस और शहजादा सलेमान के दरमियान गर्मा गर्माई हो गई। शहजादा साहब पर ये इल्जाम लगा है कि इन्होंने जेफ बेजोस का मोबाइल फोन हैक करवाया, जिसमें से कुछ जाती तस्वीर भी निकली, जिनके बल पर इन्होंने जेफ बेजोस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जेफ बेजोस एक अकलमंद बिजनेसमैन है। इससे पहले कि कोई और इसे ब्लैकमेल करता, इसने खुद ही जाकर अपनी बीवी को बता दिया कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है और अब मुझे कोई ब्लैकमेल करना चाहता है। इसका नतीजा ये निकला कि शहजादा साहब की सारी स्कीम आधे रास्ते में ही फेल हो गई, मगर जेफ बेजोस का घर टूट गया। इसकी बीवी ने इससे तलाक ले ली, जिस पर जेफ बेजोस की आधी जायदाद $61 बिलियन इसकी बीवी को गए, जिससे वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई। तलाक के 2 साल बाद अब 2020 में मैकेंजी ने भी अपने बच्चों के स्कूल टीचर से शादी कर ली है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जेफ बेजोस के चलाक होने का अंदाजा ऐसे लगा लें कि 1998 में जब गूगल अभी अपने आगाज के दिनों में था, जेफ ने भांप लिया था कि गूगल आगे चलकर क्या भला बनेगा, और इसने इसी टाइम गूगल में $1 मिलियन किसी से उधार पकड़कर इन्वेस्ट कर दिए थे। अगर जेफ बेजोस अमेज़न ना भी बनाता तो आज इसने बिलियनियर होना ही होना था, क्योंकि 1998 में इसके गूगल में लगाए हुए $1 मिलियन आज की मार्केट में $1 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यू रखते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों फैक्ट नंबर 9 पर जाने से पहले अगर आप किसी मशहूर आदमी के बारे में ऐसी ही फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आगाह जरूर करें। दोस्तों आप ये नहीं जानते होंगे कि अमेज़न कंपनी का पहले नाम अमेज़न नहीं था, बल्कि जेफ ने इसका नाम कैडबरा रखा था, मगर इसकी बीवी ने इसे समझाया कि ये खच ना मारना। फिर इसने अमरीका में मौजूद अमेज़न रिवर के नाम पर अपनी कंपनी का नाम अमेज़न रखा। फैक्ट नंबर 10, वैसे दोस्तों जेफ ने जिंदगी में हर काम निराला किया है। जिस लड़की के साथ चक्कर चलने के बाद इसकी तलाक हुई, वो कोई लड़की नहीं बल्कि 50 साल की ये आंटी लॉरेन सांचेज है। आप इसे अमरीका वालों की मीरा जी भी कह सकते हैं। ये बस मीडिया में यहाँ वहाँ घूमती हुई नजर आती थी, मगर जेफ की तलाक के बाद सही किस्मत तो इसकी खुली है। अब ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी के साथ सरेआम घूमती हुई नजर आती है। दोस्तों जेफ बेजोस इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि पैशन और मेहनत से आप हर गोल को अचीव कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।